वेलकम टू स्टडी जोन। आज है 11 अगस्त 2018 और इस वीडियो में मैं आपसे 11 अगस्त 2018 के जितने भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लास्ट में मैं आपसे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पूछूंगा क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने अपने लिए महामहिम शब्द के प्रयोग करने पर रोक लगा दी है? तो इसमें आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने संबोधन के लिए ब्रिटिश काल के महामहिम शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी है और अब इसके स्थान पर राज्यपाल महोदय शब्द के उपयोग करने के लिए कहा है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक राज्य है और हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड में अब तक की सबसे दूर स्थित रेडियो आकाशगंगा की खोज की है, यह हमारी धरती से कितनी दूरी पर स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा 12 अरब प्रकाश वर्ष। और आकाशगंगा की खोज करने वाला गेंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे में स्थित है। इस रेडियो दूरबीन का व्यास 45 मीटर है और इसका संचालन राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क को बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है? हाल ही में खांगचेंगजोंगा जो कि सिक्किम में, उसको वर्ल्ड नेटवर्क को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है और इसके साथ ही वर्ल्ड नेटवर्क को बायोस्फीयर रिजर्व में भारत के बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 11 हो गई है और टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 7 बायोस्फीयर रिजर्व घरेलू है और यह निर्णय इंडोनेशिया में लिया गया है। इंडोनेशिया में आयोजित यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में लिया गया है और मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी और खांगचेंगजोंगा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं और आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। ये लिस्ट है उन 11 बायोस्फीयर रिजर्व की जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। आपको इन सभी के नाम और इनकी स्टेट याद रखने, ये एग्जाम्स में बारी बारी से कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जा सकता है। जैसे आपका पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक इन तीनों स्टेट्स में शामिल है और ये आपके ईयर भी दे रखे, यानी जिस ईयर में ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुए थे। तो सबसे पहले वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हुआ था? तो आपका आंसर होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और ये 2000 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये तमिलनाडु में है और ये 2001 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, ये वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये मेघालय में है। नेक्स्ट है पचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये ग्रेट निकोबार में है। नेक्स्ट है अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये केरल और तमिलनाडु में है। और लास्ट है खांगचेंगजोंगा जो हाल ही में जुलाई 2018 में शामिल किया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, ये सिक्किम में स्थित है। आप सभी को इनके नाम और इनके स्टेट जरूर याद रखने हैं और जो लेटेस्ट जो ऐड हुआ है ये आपको खासकर याद रखना है और जो सबसे पहला ऐड हुआ था ये भी किस ईयर में ऐड हुआ था और वो कौन सा है ये भी आपको याद रखना है और बाकी के आपके नाम और स्टेट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने मोबाइल ऐप निर्यात मित्र लॉन्च किया है? तो इसमें आंसर आएगा वाणिज्य मंत्रालय ने और इस मोबाइल एप्लीकेशन में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, GST, टैरिफ शुल्क और बाजार की जरूरतें SPS की विस्तृत जानकारी दी गई है और वर्तमान में इस ऐप में 87 देशों के डेटा के साथ काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है?
तो इसमें आएगा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है सुरेश प्रभु, और उन्होंने ही इस ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा 9 अगस्त को। और इस वर्ष 9 अगस्त 2018 को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, और इस बार का विषय था स्वदेशी लोगों के प्रवासन और आंदोलन, और वर्ष 2019 को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत का ध्वज संहिता लागू हुआ था? तो इसमें आंसर आएगा वर्ष 2002 में। और भारत के ध्वज संहिता 2002 के अनुसार आम जनता को केवल कागज के बने झंडों का इस्तेमाल करना चाहिए, और समारोह के बाद इस तरह के कागज के झंडों को जमीन पर नहीं फेंका जाना चाहिए। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्लास्टिक के बने राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग न करने के लिए सलाह जारी की है, और इसके बजाय कागज से बने राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुपालन के लिए जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा मानवाधिकारों के अगले उच्चायुक्त के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा मिशेल बेचेलेट को। और मिशेल बेचेलेट चिली के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली पहली महिला थी, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनिया ग्यूटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने राज्य में भीख मांगने को अपराध क्षेत्र से बाहर कर दिया है? तो इसमें आंसर आएगा दिल्ली हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो इसमें आंसर आएगा कोलंबिया के 60वें राष्ट्रपति बने हैं इवान ड्यूक्यो। जैसा कि आप मैप में कोलंबिया को हाईलाइट किया हुआ देख रहे हैं, जब भी किसी कंट्री की बात आती है तो आपके दिमाग में उस कंट्री का मैप आ जाना चाहिए, उसकी कहाँ पर पोजीशन है, वो किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे कोलंबिया के उत्तर में कैरेबियन सागर है, और इसके पूर्व में वेंजुला और ब्राजील कंट्री है, इसके साउथ में इक्वेडर और पेरू है, और इसके वेस्ट में प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन स्थित है। और क्षेत्रफल के हिसाब से कोलंबिया दुनिया का 26वां देश है, और दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यह चौथा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से यह दुनिया का 29वां देश है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ब्राजील। और कोलंबिया में मैक्सिको और ब्राजील के बाद स्पेनिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं इवान ड्यूक्यू, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटो, और कोलंबिया की मुद्रा है पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई बोर्ड यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड में निम्नलिखित में से किसे अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, सतीश मराठे, कालोर सोम और ए और बी दोनों। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी स्वामीनाथन गुरुमूर्ति और सतीश मराठे दोनों को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा गोपनीयता और सिविल लिबर्टीज ऑरसाइट बोर्ड के सदस्य के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नामित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा आदित्य बमजाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मसानजोर बांध किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा मसानजोर बांध झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा आकस्मिक खाद्यान्न कोष योजना की शुरुआत की गई है? तो इसमें आंसर आएगा उत्तराखंड राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में तेल व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जैव ईंधन दिवस का आयोजन कराया जा रहा है, यह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने 3 नई पुस्तकों का विमोचन किया, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है गुलाब कोठारी द्वारा लिखित ज्वेलरी पुस्तक शामिल है,
सच्चिदानंद जोशी द्वारा लिखित गॉड्स ऑफ बनारस इसमें शामिल है। नेक्स्ट है गौतम चटर्जी द्वारा लिखित अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बोर्ड कास्टिंग इसमें शामिल है। तो इसमें आपके ये तीनों पॉइंट ठीक हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयोग सभी कथन सही हैं। आपको इन सभी पुस्तक के नाम और इनके लेखक के नाम याद रखने हैं। क्विज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बोको हराम का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है समाज सेवी संगठन, आतंकवादी संगठन, राजनीतिक दल और इनमें से कोई नहीं। क्विज के लिए सेकंड क्वेश्चन है, किस देश ने 8 अगस्त 2018 को 8888 विद्रोह की 30वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया है? आपके ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, भारत और जापान। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।